मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी जिंदगी जीने की। मैं एक मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करती थी, न्यूक्लियर फैमिली को। स्लम में आने का फैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले। ये मेरा अपना डिसीजन था क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। और जो नफरत और जो एक अजीब सी हेट्रेड हर किसी के अंदर थी ना मुस्लिम्स के लिए, मेरी फैमिली में खास करके, वो मैंने देखी थी, उससे टोटली अपोजिट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद है वो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर हम मुसलमान हो चुकी हैं। इनके इस्लाम में दाखिल होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको अपने मुँह से बताएंगी। चलिए बहन से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो ये इस्लाम में दाखिल हुई, ईमान में दाखिल हुई। इससे पहले कि बहन अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपको बताएं कि क्यों ईमान लेकर के आई, दो बातें इनके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर बहन से बात करेंगे। जब ये ईमान नहीं लेकर के आई थी तो ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहां मुसलमानों के नाम से भी नफरत की जाती थी और मुसलमानों के बारे में ऐसी थ्योरी, ऐसी कहानियाँ इन्हें बताया जाया करती थी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं। इनके दिमाग में एक ऐसी धारणा बना दी गई थी कि मुसलमान बहुत ही ज़्यादा जो है निचले स्तर का इंसान है। मतलब इस तरह की धारणा इनके मन में बना दी थी कि इस्लाम धर्म से और मुसलमानों से इनको नफरत सी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का इनके साथ बर्ताव किया गया था इनकी परवरिश के दौरान। अब इन्होंने इस्लाम को कहाँ से जानना शुरू किया, इस्लाम में क्यों दाखिल हुई। जब इनको इस्लाम की पूरी सच्चाई का पता चला कि अरे ये इस्लाम है, तो ये इन्होंने हैरत करी कि मैं अब तक कहाँ थी, किस माहौल में जी रही थी। जिस माहौल में ये थे वहाँ पर एडवांस कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा एडवांस माहौल था। तो आप चलिए बहन की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह राहत रही इस्लाम में दाखिल होने की। अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी बताएंगी कि एक इतने एडवांस माहौल की लड़की जिसका पहनावा अलग, जिसका रहन सहन का एक अलग ही स्टैंडर्ड, एक अलग ही तरीका था, वो जब इस्लाम में दाखिल हुई तो उसके मन में क्या विचार आए और अल्लाह का कितना लाख लाख शुक्र किया कि अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा। तो चलिए बहन से बात करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शेयर करूँगी। एक चीज़ होती है, जो लोग इस्लाम में आते हैं और जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स होते हैं और उसके बाद वो फिर अपने रिलीजन के टुवर्ड रिवर्ट बैक करते हैं, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन सी होती है और वो होती है कि इससे पहले जब तुम्हें इस्लाम एक्चुअली पता चला, जब तुमने कलमा एक्चुअली रीड किया, उससे पहले तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है जो कलमे की मदद से पूरा हो जाता है। कुछ इसी तरह एक लाइफ थी मेरी जो काफ़ी अलग थी, अब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी ज़िंदगी जीने की। मैं एक मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करती थी, न्यूक्लियर फैमिली को, मॉम डैड और मैं। बट हालात हमेशा फैमिली में कुछ अच्छे नहीं रहे, हमेशा ऐसी एक प्रॉब्लम सी रहती रही है मम्मी पापा के बीच में। तो वो जो था ना वो मुझे काफ़ी अफेक्ट करता था। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी फैमिली होती, काश एक बड़ी फैमिली में मैं होती जहाँ सब साथ रहते, मिलजुल के रहते, बट ऐसा नहीं था। और एक अजीब सेल्फिशनेस में नोट करती थी जब दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट होती थी मम्मी और पापा के बीच में। हाँ, उन लोगों ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, बट उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो लोग कहीं ना कहीं लैक हो जाते थे ये जानने से कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अफेक्ट कर रही है। तो ये काफ़ी अरसे तक अफेक्ट करती रही, बट एक मैं मुझे एक उम्मीद थी कि ये सब गुजर जाएगा, ये पार कर जाऊंगी मैं। और एक भरोसा था कि जो आने वाला कल होगा वो आज से काफ़ी अच्छा होगा, इस भरोसे से मैं जीती थी। एक बोलते हैं ना, ऐसे कुछ तकलीफें नहीं थी, बट सबसे बड़ी तकलीफ इंसान के अंदर तब आती है जब वो डिप्रेस हो जाता है, जब वो अकेला हो जाता है। और वो भरपूर था, एक खोखलापन सा था, एक खालीपन सा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से मैं डिप्रेस होती थी बट कोई समझ नहीं पाता था कि ये डिप्रेशन है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए, दोनों ने अपनी अपनी लाइफ नए अरसे से शुरू कर दी थी। अब मैं उसमें जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना यहाँ फिट हो पा रही हूँ ना मैं वहाँ फिट हो पा रही हूँ, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी फिट होने की। बट जब ये कोशिशें बार बार नाकाम होने लगी
तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई डू नॉट बिलोंग हेयर, दिस इज़ नॉट माई प्लेस। तब एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। कॉलेज में एडमिशन लिया, एक लड़का मिला, और ऐसा लड़का मिला जो एक सच्चा मुसलमान था, जो एक मुस्लिम का परफेक्ट एग्जाम्पल था। कुछ बातें जो मैंने कभी नहीं देखी थी नॉन मुस्लिम्स में, वो मैंने उस लड़के में देखी थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग था। बट वो एक बात है ना, उनके अंदर बहुत अच्छी थी, मतलब उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, और एक अपनापन सा था हर एक के अंदर, हर किसी के अंदर। और ये अपनापन हर मुसलमान के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का डर होता है कि मैं कहीं अपने माँ बाप को नाराज़ ना कर दूँ, कहीं मैं अपने फैमिली को नाराज़ ना कर दूँ। ये चीज़ें गैर कौमों में बहुत कम देखने को मिलती है। आज 8 साल हुए हमारी शादी को, और हमें मिलकर 10 साल होंगे, पर मैं इतना भरोसे से कह सकती हूँ कि ऐसा एक दिन या एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने इस्लाम में आने से और मुस्लिम बनने को रिग्रेट किया होगा। मैं उनसे मिली तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी थी कि किस तरह वो समझ जाते थे मुझे, और किस तरह वो मुझे संभाल लेते थे, किस तरह उन्होंने मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला था। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा या तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। उन्होंने बस इतना कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने एक मर्तबा भी इस चीज़ का जिक्र नहीं छेड़ा था कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कोई पाबंदी या कोई कंपल्शन होना पड़ेगा। इस्लाम में आने का फैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले, और ये मेरा अपना डिसीजन था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। और जो नफ़रत और जो एक अजीब सी हेट्रेड हर किसी के अंदर थी ना मुस्लिम्स के लिए, मेरी फैमिली में खास करके, वो मैंने देखी थी, उससे टोटली अपोजिट है। पहली बात थी क्लिनलीनेस। एक माइंडसेट होता है बचपन से कि नहीं यार, मुस्लिम्स का घर तो कैसा होगा एज अ नॉन मुस्लिम। बट जब मैंने देखा कि नो यार, पाकी साफी आधा ईमान है, कैसे हो सकता है ये। फिर कुछ चीज़ें, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते थे तो मैंने काफ़ी मर्तबा देखा है कि वो बाइक से उतर जाते थे, रास्ते के बीच में से ऐसी कोई चीज़ होती थी, पत्थर होता था या ऐसा कुछ होता था, वो हटा लेते थे, तो वो मुझे अलग लगता था, क्योंकि मैंने नहीं देखा है किसी और को कभी ऐसा कुछ करते हुए, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। सॉरी। और मुझे है ना, जो चाहिए था ना, जो अपनापन, जो एक बोलता है ना, एक मोहब्बत चाहिए थी मुझे, जो मुझे शायद कमी रह गई थी, वो मेरी इनसे मिलने के बाद, इनकी फैमिली से मिलने के बाद पूरी हुई थी। और जैसा लोग समझते, ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम काफ़ी खूबसूरत रिलीजन है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने 18 साल उसे नफरत करते हुए गुजारा। और आज जब मैं जब खुद ये लिखती हूँ कहीं अपने बच्चों के फॉर्म्स में, जब रिलीजन लिखती हूँ मुस्लिम, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एक सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और अब कुछ गलत होगा तो वो भी अल्लाह तरफ ही होगा, और इंशाअल्लाह वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। जज़ाकअल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोग से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली मैं बहुत नई हूँ वीडियो बनाने में, बट मैं शेयर करना चाहती थी दुनिया से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस बहन की वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह जब किसी को ईमान की दौलत से नवाजता है, जब उसके मन में इस्लाम की मोहब्बत जगाता है, तो वो काम करता है रिसर्च करने की, मतलब जो उसके धर्म में या उसके जो लोगों ने उसको बताया होता है इस्लाम के बारे में, वो उस सारी चीज़ से अलग होकर के वो रिसर्च करता है कि जो मेरे परिवार के लोगों ने क्या जो लोग बताते हैं इस्लाम के बारे में, वही बात सच है या इस्लाम क्या चीज़ है। इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब, गूगल, इसके थ्रू अपने हर एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है। अगर ये वीडियो मेरा कोई नॉन मुस्लिम भाई जो ईमान में दाखिल नहीं है वो देख रहा हो, तो मैं उससे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई भी डाउट है, तो जो डाउट है वो सवाल गूगल पे लिखें, और उसके आगे हदीस लिख दें,
हदीस से उसका आंसर, तो आपको पता लग जाएगा कि कुरान में और हदीस में जो बात लिखी है क्या आपके घर परिवार के लोग आपको वही बात बताते हैं, क्या आजकल जो एक भगवा चोला ओढ़ करके लोग एक अलग अलग ही फिलॉसफी बताते हैं इस्लाम के बारे में, क्या वो बात सही है या फिर इस्लाम एक अलग चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना, आपका भाई इसी तरह की और भी वीडियो लेकर के आएगा। सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।